मैं आईएएस मुख्य परीक्षा और अन्य राज्यों में आयोजित होने वाली पीसीएस मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले समसामयिक प्रश्नों के लिहाज से प्रत्येक दिन एक समसामयिक मुद्दे को उठाऊंगा और उसकी गहन जांच पड़ताल करने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास होगा कि वर्ष 2020 में आयोजित होने वाली आईएएस की मुख्य परीक्षा और अन्य पीसीएस मुख्य परीक्षाओं में मेरे इस प्रयास के माध्यम से आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएं और अच्छे अंक ला पाएं। साल भर आने वाले एक साल में जो भी मुद्दे चर्चा में रहेंगे मैं उनका विश्लेषण करता रहूंगा। इस श्रृंखला में आज दूसरा आर्टिकल आपके सामने है। आज की विषय वस्तु है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने की क्या जरूरत थी और उसे विशेष राज्य का जो दर्जा मिला हुआ था उसे छीनने की क्या जरूरत थी। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो आपसे बन सकता है वो ये है, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए धारा 370 और विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त करना कितना आवश्यक था। एक प्रश्न ये बन सकता है कि क्या जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर और विशेष राज्य के दर्जे को छीनकर और उसे केंद्र शासित बनाकर क्या कश्मीर घाटी में फलते फूलते आतंकवाद और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर अंकुश लगाया जा सकता है। एक अन्य सवाल बन सकता है कि जम्मू कश्मीर पर्यटन के विकास की संभावनाओं की दृष्टि से या पर्यटन विकास की विशाल संभावनाएं अपने आप में सजे हुए हैं, धारा 370 की समाप्ति का पर्यटन विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कई तरह से यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। इन सभी सवालों के मद्देनजर मैं इस टॉपिक का आज एनालिसिस करता हूं। वास्तव में आजादी के बाद से ही जम्मू कश्मीर की जो समस्या है भारत के लिए एक सिरदर्द बनी हुई थी। जब से देश आजाद हुआ था तभी से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर की समस्या भारत के लिए एक सिरदर्द बनी हुई थी। इसका क्या कारण था? वास्तव में इसका कारण धारा 370 थी और जम्मू कश्मीर को मिला हुआ विशेष राज्य का दर्जा था। धारा 370 जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था और साथ में अलग संविधान दे रखा था, इस प्रावधान ने हमेशा से देश की समस्याओं को केवल बढ़ाने का काम किया था। वास्तव में इसी प्रावधान के चलते जम्मू कश्मीर पिछले 4 दशकों से आतंकवाद की मार झेल रहा था। इसके चलते न केवल बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों बल्कि कश्मीरियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। धारा 370 और विशेष राज्य के दर्जे के चलते जो भारत की केंद्र सरकार है उसकी शक्तियां जम्मू कश्मीर में काफी सीमित थी। वो कोई कड़े कदम जम्मू कश्मीर में फलते फूलते आतंकवाद के खिलाफ नहीं उठा पाती थी। इस परिस्थिति का परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान प्रेरित अलगाववादी संगठन और चरमपंथी सोच को फलने फूलने का मौका मिला। भारत सरकार के हाथ बंधे होने के चलते पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी संगठनों और चरमपंथी सोच को कश्मीर में फलने फूलने का मौका मिला। विशेष राज्य का दर्जा हासिल होने के बाद भी न तो कश्मीर की हालत में कोई उल्लेखनीय सुधार आया और न ही कश्मीरियों की हालत में। फिर सवाल यह उठता है कि आखिर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने से हासिल क्या हुआ, जब न तो कश्मीर की हालत में कोई सुधार आया और न ही कश्मीरियों की हालत में, फिर विशेष राज्य के दर्जे का क्या मतलब। सच यह है कि कश्मीर में पैतृक रूप से राजनीति करने वाले जो राजनीतिक दल हैं, जैसे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो कश्मीर में पैतृक रूप से राजनीति करने वाले पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे राजनीतिक दलों ने धारा 370 और विशेष राज्य के दर्जे का इस्तेमाल केवल अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए किया। उनका ध्यान जम्मू कश्मीर की आर्थिक तरक्की पर नहीं था, पर्यटन विकास पर नहीं था। उनका मकसद केवल आंकड़ों की कारीगरी, आंकड़ों की चुनाव में आंकड़ों की जादूगरी करके किसी न किसी तरह से सत्ता हासिल करना होता था। जम्मू कश्मीर की आर्थिक तरक्की पर ध्यान देने के बजाय वहां के दल वास्तव में कश्मीर को अपनी पैतृक जागीर के रूप में समझते रहे। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ी, आर्थिक विकास हतोत्साहित हुआ, उद्योगों का विकास नहीं हो पाया। आज नतीजा यह है कि आज हालात यह है कि वहां विशेषकर कश्मीर घाटी में, जम्मू के आसपास का जो क्षेत्र है, कश्मीर घाटी में युवाओं के पास आज रोजगार नहीं है। उनके हाथ में किताबें नहीं है बल्कि पत्थर हैं। जब एक युवा के पास रोजगार नहीं होगा तो उसे कोई भी चरमपंथी अलगाववादी सोच वाला संगठन गुमराह कर सकता है। रोजगार न होने के चलते पाकिस्तान प्रेरित पत्थरबाजी वहां के युवाओं के लिए एक वैकल्पिक रोजगार के रूप में उभरी। आप कल्पना करिए, अगर आपके पास रोजगार नहीं हो, अच्छी शिक्षा नहीं हो और आपको सेना के खिलाफ पत्थर फेंकने के लिए रोज 500 रुपए दिए जाएं, ये वित्त पोषण कहां से हो रहा है? वित्त पोषण पाकिस्तान से होता है। लगभग एक दशक हो गए
ये शुरू हुआ था लगभग 2007-08 में। लगभग एक दशक से अधिक समय हो गया जब कश्मीर घाटी में लगातार सेना के खिलाफ वहां के युवा पत्थरबाजी में लिप्त थे। इसके लिए फंडिंग निश्चित रूप से पाकिस्तान से होती थी। ये युवा वहां के अलगाववादी संगठनों के बहकावे में थे और चूंकि फंडिंग भी होती थी और रोजगार भी नहीं था, इसलिए उन्होंने दूसरा कोई काम करने के बजाय पत्थरबाजी को एक विकल्प के रूप में चुना। संसद द्वारा कोई भी नियम कानून जो भी बनाया जाता है वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाता है, चाहे वो कोई जन कल्याणकारी योजना ही क्यों ना हो। इसलिए संसद द्वारा बनाई गई कोई भी जन कल्याणकारी योजना जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाती थी। इसके चलते कश्मीरियों को इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता था। वास्तव में इन सभी समस्याओं का मूल क्या था? इस सभी समस्याओं का मूल धारा 370 थी। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था और एक ही देश में दो संविधान का लागू होना था। इन सभी समस्याओं का मूल चूंकि धारा 370 थी, विशेष राज्य का दर्जा था और एक ही राज्य में दो संविधान लागू होना था, इसलिए हाल ही में 5 अगस्त 2019 को हमारी केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर में धारा 370 के सेक्शन ए को छोड़कर अन्य सभी प्रावधानों को समाप्त कर दिया। सरकार को लगा कि जब समस्या की जड़ ही यही है, बेरोजगारी की जड़ यही है, उद्योगों के पिछड़ने की जड़ यही है, आतंकवाद की जड़ यही है, तो क्यों ना हम इस जड़ को ही काट देते हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए धारा 370 के सेक्शन ए को छोड़कर अन्य सभी प्रावधानों को समाप्त कर दिया और साथ ही इससे भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। चूंकि लद्दाख के लोग लगातार लद्दाख एक बौद्ध बोल क्षेत्र है, ये जो लद्दाख है यहाँ पर बौद्ध धर्म मानने वाले लोग अधिक रहते हैं, इनका कश्मीरियों से कोई लेना देना नहीं है। कश्मीरियों से इनकी संस्कृति, रहन सहन, खान पान सब अलग है और साथ ही कश्मीरियों से इनका हित भी अलग है। इसलिए लद्दाख के बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे, यानी बौद्ध धर्म के मानने वाले जो लोग थे, वो लगातार लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की मांग कर रहे थे। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। इसलिए सरकार ने समस्या की मूल जड़ यानी धारा 370 को काटते हुए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को भंग किया और उसके स्थान पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर नामक दो नए केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की घोषणा कर दी। अब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को लगभग समाप्त कर दिया गया है। आप पूछ रहे थे कि धारा 370 के सेक्शन ए में क्या है, उसे क्यों नहीं हटाया गया? वो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। उसमें धारा 370 के ए में केवल इतना है कि संसद जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कानून बना सकती है, क्लियर। इसलिए धारा 370 के ए को बरकरार रखा गया ताकि संसद जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कानून बना सके, यानी जम्मू संसद द्वारा बनाए गए कानून जिस तरह से पूरे देश में लागू होते हैं उस तरह से जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। यही धारा 370 का सेक्शन ए, क्लियर। तो अब धारा 370 के जो भारत विरोधी प्रावधान थे, देश की एकता अखंडता में बाधक थे, वे प्रावधान जिससे जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और चरमपंथ को प्रोत्साहन मिल रहा था, ऐसे प्रावधान जैसे जिससे कि उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था, 370 के ऐसे प्रावधान जिससे देश के अन्य भाग के निवासियों, कारोबारियों और निवेशकों को जम्मू कश्मीर में जाने से रोक लगती थी, ऐसे सभी प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। निश्चित रूप से अब ऐसे में देश के दूसरे हिस्सों के निवासी, कारोबारी, व्यापारी और निवेशक, बड़े निवेशक अब जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेंगे। इससे जम्मू कश्मीर में औद्योगीकरण की परिस्थितियां बनेंगी, जो औद्योगीकरण अब तक पूरी तरह से रुका हुआ था, निश्चित रूप से उसकी माकूल परिस्थिति अब धीरे धीरे बनने लगेगी। देश के अन्य हिस्सों से निवेशक वहां पहुंचेंगे, निवेश करेंगे और कारोबारी माहौल तैयार होगा, नए नए उद्योगों की स्थापना होगी। जब नए नए उद्योगों की स्थापना होगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। जब नए उद्योगों की स्थापना होगी, समस्या के से जो असली ग्रसित क्षेत्र था वो था कश्मीर घाटी। समस्या से सबसे ज्यादा ग्रसित क्षेत्र जो था वो था कश्मीर घाटी। लद्दाख बौद्ध बहुल क्षेत्र है, जम्मू हिंदू बहुल क्षेत्र है, कश्मीर घाटी एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। सबसे कम जनसंख्या लद्दाखियों की थी, उसके बाद जम्मू में थी, सबसे अधिक जनसंख्या कश्मीर घाटी में थी। कश्मीर घाटी ही पर्यटन विकास की दृष्टि से सबसे ज्यादा संभावना अपने आप में सजे हुए है, इसलिए आर्थिक तरक्की के लिहाज से सबसे ज्यादा संभावना कहाँ है? कश्मीर घाटी में है। लेकिन कश्मीर घाटी की समस्या क्या थी? कश्मीर घाटी में अनंतनाग, बारामूला, पुंछ, पुलवामा जैसे क्षेत्र हैं, जहां पर गांव-गांव में जो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी संगठन हैं, वो अपनी जड़ें जमा चुके थे। इन पर भी नियंत्रण पाना काबू था। तो देश के अन्य हिस्सों से अब निवासी जाएंगे, कारोबारी जाएंगे, निवेशक जाएंगे, वहां पर निवेश करेंगे, कारोबारी माहौल तैयार होगा।
नए नए उद्योगों की स्थापना होगी, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, इससे कश्मीर घाटी में लोगों की आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। जब निवेश होता है किसी क्षेत्र में तो सरकार तभी किसी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करती है जब वहां पे उद्योगों का विस्तार होता है। उद्योगों का विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, ये दोनों एक साथ चलता है। सरकार किसी जंगली क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं करेगी। सरकार देखती है कि कहां आर्थिक तरक्की की माकूल संभावनाएं हैं, कहां औद्योगिकरण हो सकता है, सरकार वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? ऊर्जा मतलब बिजली, सड़क, परिवहन साधन, संचार साधन, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के भाग होते हैं। इनके बिना उद्योगों का विकास नहीं हो सकता और जहां पर ये नहीं होंगे वहां पर उद्योग नहीं होंगे। तो जब जम्मू कश्मीर में यानी कश्मीर घाटी में जब निवेश होगा, रोजगार बढ़ेगा, नई औद्योगिक इकाइयां लगेंगी, तो साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती मिलेगी। परिवहन के साधनों का विकास होगा, है ना, बिजली के तारों का विस्तार होगा, संचार साधनों का विकास होगा। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो साथ में पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन उद्योग को दो चीजें चाहिए होती है, एक तो इन्वेस्टमेंट और दूसरे हमने कहा कि कश्मीर घाटी में पर्यटन विकास की असीम संभावना है। और पर्यटन उद्योग को दो चीजें चाहिए, पहला इन्वेस्टमेंट और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। जब निवेश बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, तो प्रदेश में यानी राज्य में पर्यटन विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से कश्मीर घाटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर्यटन विकास की असीम संभावना है। लेकिन क्या आतंक के साए में पर्यटन विकास हो सकेगा? क्या कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति में पर्यटन विकास को बल मिलेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जिस तरह से लद्दाख एक केंद्र शासित बना दिया गया, उसी तरह से जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यानी जम्मू कश्मीर में शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था की स्थिति पर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होगा। जम्मू कश्मीर में शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था की स्थिति पर केंद्र सरकार का नियंत्रण पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों पर कौन शासन करता है? केंद्र शासन, आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों पर राष्ट्रपति के प्रशासन को लागू किया गया है? यानी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के हाथ में होता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? तो केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अपनी तरफ से वहां पे एक प्रतिनिधि नियुक्त करता है जो या तो राज्यपाल होगा या लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है तब वहां पर राष्ट्रपति का प्रतिनिधि लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, जैसा कि दिल्ली में है, उसे एलजी कहते हैं, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की स्थापना नहीं होगी तो वहां पर राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन होगा? वहां पर राज्यपाल होगा। तो केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति प्रशासन के लिए अपने एक प्रतिनिधि की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि की नियुक्ति करता है और ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतर नीतियां कानून और व्यवस्था समेत गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती हैं। अब तक वहां पे जो राज्य सरकारें थी, आजादी के बाद से, वो वहां पे कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति और बढ़ते आतंकवाद को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल रही। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे केंद्र सरकार के पास एक ठोस कारण था। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे केंद्र सरकार की सोच यह रही होगी कि यदि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए और वहां के प्रशासन की देखरेख पर केंद्र सरकार लगातार नजर रखे तो वहां पर कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है और आतंकवाद पर भी काबू पाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा होगी वो किस तरह से होगी? जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा स्थापित होगी उसका जो पैटर्न होगा वो दिल्ली विधानसभा की तरह होगा। दिल्ली विधानसभा में आप क्या देखते हैं, है ना, दिल्ली विधानसभा में आप देखते हैं कि भले ही दिल्ली में सरकार है लेकिन दिल्ली में जिस ज्यादा शक्तियां किसे मिली हुई हैं? केंद्र सरकार को मिली हुई हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी जो विधानसभा स्थापित होगी उसका जो पैटर्न होगा वो दिल्ली की तरह होगा, यानी वहां के शासन में केंद्र सरकार की शक्तियां अधिक होंगी। निश्चित रूप से इस प्रावधान से जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, बढ़ते आतंकवाद और अलगाववादी सोच पर नियंत्रण करने में काबू मिलेगा।
कश्मीर घाटी के अनंतनाग, बारामूला, पुलवामा, पुंछ जैसे क्षेत्रों में गांव गांव में अपनी गहरी पैठ जमा चुके जो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी संगठन है, उन पर भी सख्ती से लगाम लगाया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर यदि कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी तो वहां पर निवेश के लिए बेहतर माहौल तैयार होगा। देश के अन्य क्षेत्रों से जो कारोबारी और निवेशक कश्मीर में जाएंगे, निवेश करेंगे, वे अपने निवेश के प्रति सुरक्षा असुरक्षा की भावना से ग्रसित नहीं होंगे कि हम पर कहीं हमला न हो जाए, कहीं हमको लूट न लिया जाए। तो देश भर से जो कारोबारी और निवेशक कश्मीर में जाएंगे उनमें आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा होगा, नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होगी, रोजगार पैदा होंगे, है ना, कश्मीर में लोगों की आय बढ़ेगी, इससे कश्मीर में आर्थिक तरक्की तेज होगी, कश्मीर का तेजी से आर्थिक विकास होगा। साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी तो देश विदेश से जो सैलानी और पर्यटक घूमने आते हैं उनके वो आतंक के साए में नहीं रहेंगे, उनके मन में आतंक का जो खौफ है वो समाप्त होगा। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि चलो हिमाचल चले जाना, सिक्किम चले जाना, उत्तराखंड चले जाना, लेकिन कश्मीर घाटी में जाना मेरे ख्याल से सेफ नहीं है। तो सोचिए, जब किसी क्षेत्र के प्रति ऐसी असुरक्षा की भावना से अगर देशी विदेशी पर्यटक ग्रसित रहेंगे तो क्या वहां पर्यटन विकास की पूरी संभावना का दोहन किया जा सकेगा? तो निश्चित रूप से यदि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार आएगा तो देशी विदेशी पर्यटकों के मन में आतंक का खौफ समाप्त होगा, इससे भी राज्य में पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा, राज्य में निवेश बढ़ेगा, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होगी, पर्यटन उद्योग की पूरी संभावना का दोहन होगा, तो क्या बढ़ेगा, राज्य में रोजगार बढ़ेगा, युवाओं के पास रोजगार होगा जो अभी पत्थरबाजी में लिप्त हैं, और जब उनके पास रोजगार होगा तो देश के संविधान के प्रति उनकी स्वाभाविक रूप से निष्ठा बढ़ जाएगी, है ना, भारत देश के प्रति उनमें भावनात्मक लगाव पैदा होगा, देश के प्रति समर्पण भाव पैदा होगा, वे भी राष्ट्रगान मन से गाएंगे और तिरंगे का सम्मान करना सीख जाएंगे। वास्तव में पत्थरबाजी जैसी घटनाएं, सैनिकों पर हमला और आतंकवाद उन्हीं क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमाता है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जहां बेरोजगारी ज्यादा है, अशिक्षा ज्यादा है। इसलिए जम्मू कश्मीर में आर्थिक विकास करना ही एकमात्र रास्ता है, जम्मू कश्मीर की आर्थिक तरक्की एकमात्र रास्ता है जिससे वहां पर आतंकवाद, पत्थरबाजी और सेना के खिलाफ हमले जैसी घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है, कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही चूंकि धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है ना, तो इससे सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार भी तो जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। जब भारत सरकार द्वारा जो अधिनियम बनाया गया था शिक्षा का अधिकार कानून, वो जब लागू हो जाएगा तो प्राथमिक स्तर तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का निःशुल्क अधिकार होगा, इससे राज्य में शिक्षा का स्तर धीरे धीरे अगली पीढ़ी तक बढ़ता चला जाएगा, युवा शिक्षित होंगे, रोजगार युक्त होंगे, स्वाभाविक रूप से जो थोड़ी बहुत विरोधी भावना है, जो अलगाववादियों और पाकिस्तान के भड़काने का परिणाम है युवाओं के मन में, धीरे धीरे ये अलगाववादी सोच और नफरत की भावना भी अगली पीढ़ी तक आते आते जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी और जम्मू कश्मीर भी भारत देश का एक अभिन्न भाग बन जाएगा। मिलते हैं अगले मुद्दे में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।